दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा चैनल जिसमें हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं। तो आज का बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप अपने घर से भी शुरू करके आसानी से काफी पैसा कमा सकते हो। ये बिजनेस एक लघु उद्योग बिजनेस है जिसमें आपको ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना ज्यादा स्पेस चाहिए, ना ही कोई आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए। इसे आप आसानी से जब मर्जी शुरू कर सकते हैं। साल भर चलने वाला ये बिजनेस जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और कोई भी पॉइंट बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। करेंगे नॉन वोविंग बैग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, हाल ही में खबर आई कि महाराष्ट्र में कैरी बैग्स जो होती है पॉलिथीन की और जो थर्माकोल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूज एंड थ्रो वाले, इसे टोटली बैन कर दिया गया है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए ये धीरे धीरे हर राज्य में प्लास्टिक बैग्स और ये जो थर्माकोल है इसके जो प्रोडक्ट्स है ये टोटली बैन हो जाएंगे। ऐसे में एक जो बिजनेस है वो बहुत उभर के आता है, उसका नाम है नॉन वोविंग बैग्स का जो बिजनेस है। आपने अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो कपड़ों की जो थैली होती है उसका बिजनेस। अभी इस बिजनेस के लिए हमें क्या करना होगा, ये बिजनेस कैसे तरह से डेवलप होगा, इसमें कितनी कॉस्ट लगती है, इस सब बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बातें हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी धीरे धीरे हर राज्य में पॉलिथीन जो है ये बैन होता जा रहा है, तो उसके वजह से जो कपड़ों की थैली है इसकी डिमांड कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। अब आप चाहे शोरूम चले जाओ, कोई भी शॉप चले जाओ, तो वहाँ पर अब जो लोग हैं वो 5 रुपये भले एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन जनरली कपड़े वाली बैग ही वो प्रोवाइड करते हैं। उस पर प्रिंटिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है, बैग जो दिखने में होती है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है, और इसकी जो डिमांड है ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये बैग बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें दो मशीनों की आवश्यकता होती है, एक होती है स्ट्रेच मशीन और एक होती है कटिंग मशीन। तो पहले बात करते हैं स्ट्रेच मशीन के बारे में। तो ये जो मशीन होती है इसमें आप जो बैग्स हैं उसे बहुत ही फास्ट तरीके से सिल सकते हैं, ठीक है। इसमें लगभग लगभग एक दिन में आप अगर एक नॉर्मल बैग की बात की जाए तो लगभग लगभग आप 2500 थैलियों को सिल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी मशीन होती है वो होती है कटिंग मशीन। इसमें आप चाहे तो डी कट होता है वो कर लो, चाहे तो डब्ल्यू कट होता है वो कर लो। इसमें अलग अलग तरीके से आप मशीन में जो आपकी बैग है उसको कट कर सकते हो, और जो उसका शेप है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब रही बात इसकी के कितने स्पेस में ये बिजनेस स्टार्ट आप कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक छोटे से रूम से भी आप अपना काम चला सकते हैं। 10x10 के अगर रूम है तो बहुत ही बढ़िया, तो इतने छोटे एरिया में भी ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। दोनों मशीन उसमें प्रॉपरली फिट बैठ सकती है, यानी अगर आप इसे घर से ये बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अब बात करें इसके कॉस्टिंग की, तो ये जो मशीन है ये आपको लगभग लगभग जो स्ट्रेच मशीन है ये लगभग लगभग 85,000 से स्टार्ट होती है। तो जैसे जैसे आप क्वालिटी लेंगे उस तरह से इसके रेट्स भी बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो कटिंग मशीन होती है वो लगभग लगभग 45,000 से 50,000 के आसपास आती है। तो ऑल ओवर आपका ये जो बिजनेस है 1,30,000 से स्टार्ट होता है। इसमें
साथ ही साथ आप कॉस्ट पकड़ लीजिए, जो नॉन वोविंग का कपड़ा होता है उसकी भी कॉस्ट आपको पकड़नी होगी। मार्केट में अगर आप चले जाओ तो ये जो कपड़ा होता है ये लगभग लगभग आपको 85 रुपए से लेके तो 90 रुपए के बीच में किलो से मिलता है, तो इसकी भी आप कॉस्ट इसमें ऐड कर सकते हो। तो ऑल ओवर आपका ये जो बिजनेस है ये मिनिमम आपका 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा। ये 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आप इसे लगाइए और ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और जो डिमांड है इसकी तो बहुत ह्यूज डिमांड है, आप इसमें अलग अलग शोरूम से जब जुड़ते हो, उसके बाद कुछ शॉप से आप जुड़िए जिन्हें इस तरीके के चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये जितना भी सामान होता है आपको पर्सनल जाके बेचना नहीं है, ये लगभग लगभग B2B का बिजनेस है। आपको जो बिजनेस ओनर से इस तरीके के उन्हीं को डायरेक्ट आपको ये बेचना होता है और वो भी होलसेल रेट में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोडक्शन कॉस्ट की। आप जब ये बिजनेस में ये जो थैली है ये बनाते हैं तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग लगभग एक थैली के पीछे जाती है 125 रुपये के आसपास। और होलसेल मार्केट में अगर आप इसे बेचते हो तो ये लगभग लगभग बिकता है 3 रुपये के आसपास। और MRP से जो ये और जो रिटेल करते हैं उससे जो प्राइस होती है वो लगभग लगभग होती है 5 रुपये मिनिमम। तो आपका अगर आप होलसेल मार्केट में भी ये बिजनेस करते हो तो आपकी कॉस्टिंग होगी लगभग लगभग 1.75 रुपये के आसपास आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो हम 1.5 रुपये पकड़ लेते हैं, तो लगभग लगभग आपका जो पर डे का जो प्रोडक्शन है वो है 2,500 थैलियों का। 2,500 थैलियों में अगर आप 1.5 रुपये से 1 रुपये का प्रोडक्शन भी पकड़ते हैं तो आपकी लगभग लगभग पर डे की इनकम जो है वो होती है लगभग 3,000 से 5,000 के बीच में। तो 3,000 से 5,000 के बीच का आपका जो पर डे इनकम है ये स्टार्टिंग फेज में बहुत ही सफिशिएंट इनकम है, बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम है। तो इससे आप अपना बिजनेस बढ़ा भी सकते हैं, धीरे धीरे आप बड़ी मशीन्स भी ले सकते हैं और आप अपना बिजनेस को इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी बात नॉन वोवेन बैग बिजनेस के बारे में। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में जो भी ऐसा लगता है आपको कि पूछना चाहिए तो आप ज़रूर ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में इसमें इसके बारे में पूछ सकते हैं, या आपके पास में कोई एडिशनल जानकारी है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर जो अपडेट्स है वो इसी तरह मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।